मित्रों नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नए विषय नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम सूर्य के अलग अलग भाव में होने पर उसके परिणाम के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। अब तक हम लग्न से लेकर छठे भाव तक में सूर्य की उपस्थिति और उसके परिणाम के ऊपर वीडियोस बना चुके हैं। उसी सीरीज में उसी कड़ी में यह हमारा अगला वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर सूर्य सातवें घर में उपस्थित है तो उसका क्या परिणाम जातक को मिल सकता है या उसका क्या फल रहेगा। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स से, मित्रों से, फ्रेंड से, आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोरोना ओमिक्रॉन के रूप में देश भर में बहुत अत्यधिक रूप से फैल रहा है, इसलिए आप सभी अपना ध्यान रखें, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें, अपने और अपने परिवारजनों का ध्यान रखें। आप सभी सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। मैं भगवान नारायण से आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं। चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सन इन सेवंथ हाउस, अगर सूर्य सातवें घर में उपस्थित है तो क्या होगा। जिन लोगों का जन्म गोधूली के समय या संध्या के समय होता है उनकी कुंडली में सूर्य सातवें घर में विराजमान होते हैं। इस भाव में सूर्य प्राय अशुभ फल देने वाला ही माना गया है। या अगर सूर्य पाप प्रभावित हो जाए तो जातक के वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मचा देता है। सातवें घर में अगर सूर्य उच्च का होकर बैठा हो तो जातक का जीवन साथी थोड़ा घमंडी होता है, जिस वजह से पति और पत्नी में आपसी किसी बात को लेकर सहमति नहीं बन पाती और अक्सर घर में कलह का माहौल बना रहता है। अगर यहां पर उपस्थित सूर्य पर पाप प्रभाव अत्यधिक रूप से पड़ जाए तो जातक के दो विवाह की संभावना भी बन सकती है, ऐसा अक्सर देखने में आया है। यहां पर अगर सिंह राशि का सूर्य विराजमान हो और उस पर कोई पाप प्रभाव ना हो तो जातक का जीवन साथी व्यवहारिक विपत्ति में साथ देने वाला प्रभावशाली और स्वाभिमानी होता है। यहां पर अगर नीच का सूर्य हो तो वो प्रेम विवाह भी करवा सकता है और जातक को पेट संबंधी कोई रोग भी दे सकता है। अक्सर देखा गया कि ऐसे जातक को अक्सर जो है पेट के निचले हिस्से में कोई गर्मी, इसी तरह की या अग्नि तत्व से संबंधित जो कोई रोग है, पेट या पेट से संबंधित जो रोग या पेट से नीचे की जो पोर्शन है उसमें कोई रोग हो सकता है। वृष कन्या और मकर का अगर यहाँ पे सूर्य विराजमान हो तो ऐसे जातक बिजनेस में व्यापार में अच्छा करते हैं। मिथुन और कुंभ सूर्य वाले शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करते देखे गए हैं। कर्क और वृश्चिक राशि का अगर सूर्य यहाँ पर उपस्थित है तो ऐसा प्राय देखा गया है कि ऐसे जातक आधा जीवन सुख में और आधा जीवन कष्ट में व्यतीत करते हैं। तो ये था सूर्य का सातवें घर में सातवें भाव में फल या परिणाम। चलिए मित्रों, कैसे लगी आपको ये जानकारी मुझे बताना ना भूलेगा। और अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए आपके प्यार आपके आशीर्वाद की तरह होता है और मुझे आपके प्यार और आपके आशीर्वाद की बेहद बेहद जरूरत है। चलिए मित्रों, मुझे आज्ञा दीजिए अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।